तो इस चीज़ पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई इजीली कर सके एंड सीट्स के बारे में प्रॉपर उन्हें पता चल सके। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडवेंचर। तो पहले तो दोस्तों माफी चाहूंगा कि बहुत दिनों से माउंटेनिंग अपडेट से रिलेटेड वीडियोस मैं नहीं ला पाया हूं। तो अब माउंटेनिंग अपडेट से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी एंड ये जो पूरी वीडियो होने वाली है माउंटेनिंग अपडेट से, अपकमिंग कोर्सेज से रिलेटेड एंड इंस्टीट्यूट के कुछ अपडेट्स आए हैं उससे रिलेटेड होने वाली है। तो दोस्तों एंड तक बने रहिए एंड वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों अपडेट स्टार्ट करते हैं। पहले अभी मास से अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स से, तो इनकी अपडेट्स बात करते हैं। शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल क्या है। तो इनकी तरफ से एक नोटिस, आप अगर वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक नोटिस बना आ रहा है। नोटिस के अंदर क्या लिखा है कि अगर आप कोर्स करने जा रहे हैं, कोई सा भी अगर कोर्स हो, अगर आप करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पेरेंट्स से परमिशन लेनी ज़रूरी है या कंपलसरी टाइप बोल दिया है इन्होंने कि पेरेंट्स से कंपलसरी है लिखवा के लाना है या कुछ भी, मतलब प्रूफ लाना है कि आपने पेरेंट्स की परमिशन ले रखी है, इस टाइप का कुछ। एंड उसके बाद सेम जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो कंपलसरी है एंड जो 72 आवर्स लास्ट का होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वैक्सीनेशन भी कंपलसरी कर दी गई है कई जगह पे। अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो आप आरटीपीसीआर टेस्ट लेके जा सकते हैं, दोनों में से एक बोला गया है। खैर मैं अगर अपने कोर्स की बताऊँ, कुछ टाइम पहले ही गया था मैं, तो वैक्सीनेशन के साथ साथ हमसे आरटीपीसीआर टेस्ट भी मांगा था। वैक्सीनेशन ना हो एक बार थोड़ा चल जाएगा, बट आरटीपीसीआर टेस्ट आपका कंपलसरी कर रखा है। तो अविमास में अगर आप कोर्स करने जाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ये दोनों चीज़ें आप लेके जाएं। अगर वैक्सीनेशन ना हो तो आरटीपीसीआर टेस्ट ज़रूर लेके जाएं, इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो। और इसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं स्कीइंग कोर्स की। तो जैसा आपको पता है कि बर्फ बढ़ चुकी है कई जगह पर, हिमाचल में धौलाधार रेंज में बर्फ बढ़ चुकी है इस टाइम, तो टूरिज्म स्पॉट अच्छा बन चुका है इस टाइम। आप अगर स्नो देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि स्कीइंग कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में हो गया या अटल में भी होते हैं मनाली के अंदर, तो इन जगहों पर भी स्टार्ट होने वाले हैं, एक दो जगह पर और स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कुछ जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ऑफलाइन कराते हैं, जिनके फॉर्म आप ऑफलाइन फिल कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट डाल दूंगा जो जल्दी ही आने वाली है स्कीइंग कोर्स से रिलेटेड, तो आप उसके लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और इनकी वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो भी इनकी वेबसाइट हैंडल करता है वो प्लीज़ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, अगर उनके पास ये वीडियो पहुँचती है किसी के माध्यम से भी। क्योंकि देखिए आपकी वेबसाइट जो है उसमें कई सारी जो चीज़ें हैं वो अपडेट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंथ लिखे हुए हैं उसके अंदर ईयर कोई भी नहीं मेंशन कर रखा। बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए जाएंगे तो सारी सीटें आपको स्टार्टिंग में दिखाता है, फिल करने का ऑप्शन आता है, उसके बाद सारी चीज़ें फुल दिखा देती है। तो इस चीज़ पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई ईजिली कर सके एंड सीट्स के बारे में प्रॉपर उन्हें पता चल सके। बाकी दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो बेसिक माउंटेनिंग कोर्स ही नहीं, स्कीइंग कोर्स के अंदर भी कई जगह पे ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी जो ग्लीच भी हो सकता है या हो सकता है इंस्टीट्यूट की तरफ से अपडेट नहीं किया गया है। हाँ, और 2021 है या 22 है, किस टाइम आपकी सीट्स अवेलेबल हैं वो चीज़ें उसमें ज़रूर मेंशन करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं HMI के बारे में, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के बारे में। तो लखपा शेरपा थे जिन्होंने HMI में सेवा दी थी 22 साल अप्रॉक्स, तो अब वो उनका फेयरवेल हुआ है रिसेंटली और सभी HMI के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने बकायदा उनका सम्मान किया है एंड उनके इस समर्थन को जो उन्होंने HMI को दिया, ट्रेनिंग दी, उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया। तो हमारी तरफ से भी उन्हें बहुत सारी रिस्पेक्ट एंड आगे के लिए ऑल द बेस्ट। GIM के अपकमिंग शेड्यूल यानी जो 2022 और 2023 का शेड्यूल आने वाला, क्योंकि अभी आपको पता है कि अब बेसिक माउंटेनिंग कोर्स बंद हो चुके हैं इस साल के लिए, तो नेक्स्ट साल का जो शेड्यूल आने वाला है उसके ऊपर अब बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे एंड इसके बाद कौन कौन सी सीट्स आने वाली है BMC से रिलेटेड, AMC से रिलेटेड और डेट्स क्या है, कितने दिन का कोर्स होगा, फीस क्या हो सकती है इसकी, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ इंस्टीट्यूट की फीस भी भरी थी, तो उस बारे में भी अब डिस्कशन एक एक करके करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के बारे में। तो बेसिक माउंटेनिंग
ट्रेनिंग कोर्स जो 2020 में कोविड की वजह से बंद हो गया था एंड 2021 में भी उसका प्रभाव पड़ा था, तो ये 2022 में भी आपको इसकी सीट्स नहीं मिलेगी। और अभी तक जो वेबसाइट पे इनकी शो हो रहा है उस हिसाब से 2022 की सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं जो इनकी वेबसाइट के हिसाब से मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं एएम सीट की। 24 डेज का ये कोर्स है, 21 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक ये सीट्स जो है अवेलेबल हैं और इसमें 40 सीट्स हैं। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके लिए 10K यानी 10,000 की कॉस्टिंग पड़ेगी इस कोर्स के लिए, एंड जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए कॉस्टिंग है इसकी 18,650 रुपीज फॉर अदर। एंड जो इसकी एज लिमिटेशन है वो है 17 से लेके 42 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसी का जो सेकंड बैच है वो होने वाला है 17 से लेके 9 अक्टूबर तक, यानी 17 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर तक ये कोर्स होने जा रहा है। सेम है, इसकी 40 सीट्स हैं, ये पहलगाम में होगा। एंड एक चीज और कि इसकी जो फीस है अभी डिसाइड नहीं की गई है, अगर आप वेबसाइट पे चेक करते हैं तो इसकी फीस के बारे में नहीं बताया गया, क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। तो आई थिंक इसकी फीस हो सकता है मे बी अगले साल से बढ़ जाए, तो होप सो ना बढ़े तो अच्छी बात है हमारे लिए, बट देखते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आते हैं एडवेंचर कोर्स पे। 15 दिन का होता है कोर्स और 2022 का जो पहला बैच आने वाला है 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक इसका बैच है। 50 स्टूडेंट का पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर वाले लोगों के लिए है 5,450 रुपये एंड जो अदर स्टेट्स के लिए है उनके लिए है 10,120। और इसके अलावा दोस्तों जो इसकी एज लिमिट है 12 से लेके 50 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। इसके बाद जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद जो शेड्यूल है 18 अप्रैल से लेके 2 मई तक, इसमें फीस वगैरह शो नहीं की गई है, तो हो सकता है मे बी इसकी फीस बढ़ सकती है। सेम है 7 मई से लेके 21 मई तक, उसके बाद है 25 मई से लेके 8 जून तक। तो ये रही अभी जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग की एडवांस बेसिक माउंटेनिंग कोर्स एंड साथ ही साथ एडवेंचर कोर्स के बारे में डिटेल्स। और इसके बाद दोस्तों जानते हैं अब MOI के बारे में। तो MOI जो इनका होने वाला है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको सिखाते हैं कि कैसे आप दूसरों को सिखा सकते हैं या कैसे आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, तो उसके अंदर है ये है होता है आपका सेम 15 दिन का, 30 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक ये कोर्स चलने जा रहा है। इसकी जो सीट्स हैं लिमिटेड है, 20 सीट्स हैं इसकी। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो इसकी फीस है 10,000 है एंड अदर्स के लिए है, अदर स्टेट्स के लिए 18,650 रुपये। और इसकी जो एज लिमिट सेम है 17 से लेके 22। हाँ, एक बात समझ लीजिए, अगर 17 बेसिक की भी है और इसकी भी 17 है तो आप मान सकते हैं कि एक दो साल का गैप हो सकता है। इसके बाद आते हैं बेसिक स्कीइंग कोर्स। बहुत से लोगों ने पूछा स्कीइंग कोर्स के लिए सीट्स हैं या नहीं है। 2022 का तो नहीं दिखा रहा, बट 2023 के लिए 5 जैन से लेके 18 जैन तक ये कोर्स चलेगा और इसका जो है 60 सीट्स हैं इसके लिए और 10,000 रुपये फीस है बाकियों के लिए, जम्मू कश्मीर वालों के लिए, और अदर्स के लिए है 13,420 रुपये फॉर अदर स्टेट्स। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 12 साल से लेके 45 साल के लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी का जो सेकंड बैच है 2023 में 21 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक 2023, तो काफ़ी, हालांकि इन्होंने 2022 में ऐसी कोई सीट्स का अनाउंसमेंट नहीं किया, हो सकता है अगर कोई कोर्स होगा तो मैं अपडेट डाल दूंगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं तो 6 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक इसका एक और बैच होने वाला है 2023 में सेम, और उसके बाद है 22 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। तो इस दौरान जम्मू कश्मीर में काफ़ी ठंडा एरिया है तो वहाँ पे ठंड डेफिनेटली होती है और बर्फ भी आपको मिल जाती है, तो इस वजह से मार्च तक ये कोर्स चलाया जा रहा है। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट स्कीइंग कोर्स। 14 दिन का ये कोर्स होता है और ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है ये है 22 फरवरी से लेके, ये भी 2023 में होने वाला है। आई थिंक 2022 का कोई भी बैच नहीं है, मे बी अगर ये रिशेड्यूल करके या पीछे वाले जो कोर्सेज हैं उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं आगे, तो इसलिए ये दिया गया है 2023 का सीधा। तो इसकी जो सीट्स होती हैं वो है 30 और 30 जो इसकी है नॉट टू शो, अभी शो नहीं की गई है, हो सकता है मे बी कुछ टाइम आने वाले टाइम में शो कर दे। जहाँ तक मुझे लगता है इसकी फीस 2023 तक बढ़ने वाली है। इसके बाद दोस्तों आते हैं एडवांस स्कीइंग कोर्स के ऊपर। तो इसका है 14 दिन का ये कोर्स है 22 से लेके और ये 7 मार्च तक चलने वाला है और 30 सीट्स इसके लिए भी हैं। इसकी भी फीस जो है वो नॉट टू शो है, यानी अभी दिखाई नहीं जा रही, तो मे बी होप सो ना बड़े फीस तो अच्छी बात है, बाकी देखते हैं दोस्तों इंस्टीट्यूट क्या डिसीजन लेते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें एंड हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ। Oh, 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 oh,